أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

قال الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم ولا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين قابل احترام صدر مجلس شيخ منصور الدين عمري مدني حفظه الله مجلس من موجود मक्कर कराम जिम्मेदार मेरे मोहतरमदीनी भाइयों और काबिल एहतराम और बहनों अल्लाह रब्लमी ने इस दुनिया को दार्तहान बनाया और एक के बाद एक इंसान पर यहाँ पर आजमाइशें आती रहेंगी जब तक ज़िंदगी बाकी है तब तक इम्तहान और आजमाइश भी बाकी रहेगी इसी आजमाइश को फितना कहा जाता है एक इंसान दुनिया में आज़माया जाएगा अच्छे हालात से बुरे हालात से खैर से और शर के भी ज़रिए व नबलू कुम बर वफित फितना, वई ना तुरज़ाउन। अल्लाह ताला ने फरमाया हम तुमको आज़माते हैं खैर के ज़रिए से और शर के ज़रिए से इम्तहान के तौर पर और पलट के तुमको हमारे ही पास आना है एक इंसान ईमान का इकरार करे तोहद को कबूल करे इस्लाम अपनी ज़िंदगी में लाए अल्लाह पर रसूल पर ईमान लाए दीन इस्लाम को हक माने इसके बाद उसकी ज़िंदगी आज़माइशों से सलामत रहे ऐसा हो नहीं सकता है अब तो इम्तहान शुरू होने वाला है अब मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, गुमराही के रास्ते सामने आएंगे। अब इसका इम्तहान है कि वो सीधे रास्ते पर बाकी रहता है या गुमराही के रास्ते को चुनता है अब इसका इम्तहान है कि वो खालिक को चुनता है या मखलूक को दुनिया को चुनता है या आखरत को ये मुसलसल हर दिन हर आन इंसान पर फितना आजमाइश इम्तहान का मरहला चलता रहेगा यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए लिहाज़ा एक इंसान को इस बात को याद रखना चाहिए कि दुनिया आजमाइशों की जगह है और यहाँ पर इंसान के लिए ग़लती लग्जिश गुमराहियाँ और हलाक होने के इसबाब हैं लेकिन वहीं उसके लिए ये भी इम्कान है कि अल्लाह रब्बुल रब्लमीन की मदद से अल्लाह की तोफ़ी से वो अपने आप को इन गुमराहियों से इन फितरों से बचा कर कामयाब होकर दुनिया से निकल जाए और आख़रत की अबदी कामयाबी से हमकनार हो जाए अल्लाह फरमाता है क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वो इतना कहने पर छोड़ दिए जाएँगे कि हम ईमान ले आए और उन्हें आज़माया नहीं जाएगा हमने इनसे पहलों को भी आज़माया है वलकद फतान अबिनकबिल हमने इनसे पहलों को भी फ़ितने में मुबतला किया है फ़लयालमन्न सदकु सदकू कादिबीन तो अल्लाह ताला भी देख लेगा कि इनमें से कौन हैं जो सच्चे हैं और कौन हैं जो झूठे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर ये बताया कि फितनों का नतीजा ये होता है कि आदमी अपने ईमान के इकरार में या तो सच्चा साबित होता है या तो झूठा लिहाजा एक इंसान के लिए ये दुनिया की आजमाइशें यहाँ की फितने यहाँ की बलाएँ मुसीबतें और यहाँ पर गुमराही के मुजयन होने के इम्कान ये सारी चीज़ें एक एतबार से तो हलाकत हैं लेकिन एक एक एतबार से ये उसके लिए अल्लाह के यहाँ ऊँचा मकाम पाने का ज़रिया भी बनता है अगर वो आजमाइश में कामयाब हो जाए तो उसके लिए इज्ज़त और आख़रत में कामयाबी है और अगर वो इस आजमायश में नाकाम हो जाए तो दुनिया और आखरत में उसके लिए ज़िलत के फैसले हैं आजमाइश दो तरह से होती है या फितने दो तरह के हैं इबन रहमत ने अपनी किताब जादुल माद में और दूसरे मकामात पर भी ये बात कही कि फितना दो तरह का है एक फितना है शबहत का और दूसरा फितना है शहवात का अगर आप चीज़ें देखें जिनके लिए अदीस में और ख़ुद क़ुरान करीम में फितने का लफ्ज़ आया है शैतान का फितना नफ्स का फितना माल का फितना औरत का फितना दुनिया की मुसीबतों और परेशानियों का फितना और इसके अलावा और बहुत सारे फितने हैं ये सारे फितने अगर इनको तकसीम किया जाए तो दो खानों में इनको बांटा जा सकता है एक शबहत का फितना दूसरे शहवाद का फितना इंसान के गुमराह होने और हलाकत के दो एतबार से दो रास्ते होते हैं दो चीज़ों में आदमी फंस के हलाक हो सकता है या तो वो शुभात में मुबतला हो जाए शैतान दोनों तरफ से उसके लिए गुमराही के रास्ते खोलता है उसको दीन के मामले में कन्फ्यूज़ कर दे उसके इल्म में गलत बातों को मिला दे उसकी अक्ल में उसके दिल में गलत अफकार को डाल दे उसकी सोच को बिगाड़ दे और ऐसा आदमी गलत को सही समझने लगे सही को गलत समझने लगे एक तो इस एतबार से होता है वो तो को ईमान को और शर को अलग न कर पाए वो अलिया कराम के एहतराम को इतना बढ़ा दें कि फिर उनके साथ उनको अल्लाह के साथ शरीक करने को भी ईमान समझने लगे अलिया के मकाम को बढ़ा कर अल्लाह के बराबर कर दे और इसी को ईमान समझने लगे या फिर नबी की महब्बत में अपनी तरफ से तौर तरीक़े रस्म रिवाज ईजाद कर लें और फिर इसी का नाम दीन बना लें इसी बिदात को सुन्नत समझने लगे नबी की महबत का नाम उसको दे दें और बिदात में मुबला हो जाए आम तौर से एक बड़ी कस्म जो गुमराहियों की है वो इस खाने में आती है कि इंसान का इल्म बिगड़ जाए वो कंफ्यूज हो जाए दीन के बारे में फिर शिरक बिदात इनकार हदीस या इसी तरह से गुमराहियाँ सियासी इहराफात वो सब इसके अंदर आते हैं कि इंसान की सोच ही बिगड़ जाए दूसरा ये कि दूसरा फितना ये है कि इंसान शबहात के, के फितने में शहवाद के फितने में मुबला हो जाए यानी इंसान के अंदर लज्जत और राहत की जो तलब है इस तलब को शैतान ऐसा बढ़ा दे कि बुराइयों को खुशनुमा करके उसके सामने पेश करें और फिर इंसान लज्जत की राहत की तलब में आकर राहत के पाने के लिए फ़राइज़ को तर्क करें और लज्जतों के पाने के लिए हराम में चला जाए इंसान के नफ्स में ये दोनों चीज़ें हैं वो राह चाहता है लज्जत चाहता है यफी अफसे ही बुरी बात नहीं है राह चाहना बुरी बात नहीं अल्लाह ने रात बने आराम करो और अल्लाह ताला ने तयबात को इंसान के लिए हलाल किया जीनत को अल्लाह ताला ने उसके लिए हलाल किया लेकिन इंसान की लज्जत तलबी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि फिर हलाल और हराम का फर्क वो छोड़ दे और फिर आगे बढ़कर वो निकाह से बढ़ के जना और शरबत से आगे बढ़कर शराब में चला जाए तो ऐसा आदमी क्या है लज्जत परस्ती की वजह से ये शहवाद के फितने में मुबला हो गया इसी तरह से राहत तलबी बुरी नहीं है राहत इंसान के लिए बुरी बात नहीं है लेकिन इतनी राहत तलबी इंसान के अंदर आ जाए कि फिर रात की नींद इतनी बढ़ जाए कि फजर की नमाज भी गायब हो जाए और भूख प्यास की तकलीफ उसके नज़दीक इतनी ज़्यादा बड़ी मशक्क़त हो कि रमज़ान के रोज़े भी छोड़ दें और सफ़र की मशक्कत से वो डरें तो हज भी ना करें जबकि उस पर फ़र्ज़ हो चुका हो और इस तरह से कई अहकाम है हैं तो लज्जत की तलब और राहत की तलब इंसान में है लेकिन इसमें गुलू जब हो जाता है और इंसान इसका ग़ुलाम बन जाता है शहवाद का गुलाम बन जाता है तो फिर वह फरैज़ को तर्क करता है और हराम का इरतक करता है शैतान इन्हीं दोनों रास्तों से इंसान को गुमराह करता है उसकी उसके इल में बिगाड़ पैदा करना ग़लत को सही करके उसके सामने पेश करना और उसके जज्बात को भड़काकर उसको गलत कामों का इरतक करवाना और इसने कहा था अल्लाह ताला ने कुरान क़रीम में फ़रमाया का रब बीमा अगवैतनी लजनफिल्ब वन منهم المخلصين। इबलीस ने अल्लाह ताला से कहा, ए मेरे रब कल रबी बीमा अगवैनी जब तूने मुझे को भटका ही दिया है तो मैं भी दुनिया में तेरे बंदों के लिए ज़मीन में बंदों के लिए बुराइयों को मुजीन करके खुशनुमा बना के पेश करूँगा बुराई को भलाई बना के और ख़ूबसूरत बना के पेश करूँगा वल उगव अजमाइन और सब को भटका के छोड़ूंगा सबको भटका दूंगा अब कमलमसैन हाँ कुछ तेरे मुंतखब खास बंदों को छोड़ के सबको मैं गुमराह कर दूंगा शैतान इन्हीं दोनों रास्तों से इंसान को गुमराह करता है उसकी सोच को बिगाड़ता है और उसकी चाहतों में बिगाड़ पैदा कर देता है आज जो हमारा नवान है फितने और इख्तलाफ अगर देखा जाए तो ये दो अलग मुस्तकिलवानात हैं लेकिन दोनों पर हम थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ देखेंगे कि इन दोनों क्योंकि दूसरा हिस्सा भी पहले ही का नतीजा है ये भी ख़ुद अपनी ज़ात में एक फितना है कि मुसलमानों में इख्तलाफ़ पैदा हो जाए और इसके नतीजे में कई फितने वजूद में आते हैं जिसको हदीस में बाहमी जंगों के ताल्लुक से भी बताया गया है और फ़ितन की हदीसों में वो सारे फितन के अबवाब में वह सारे इख्लाफा और जंगी मुसलमानों की जिक्र की तो इस एतबार से भी इख्तलाफ़ फितने ही का एक हिस्सा है लेकिन एक ख़ास उसकी कस्म है तो फितना जो ये दो तरह का होता है शुबात और शहवात और देखेंगे तो झगड़े पैदा होने की एक वजह यही दोनों चीज़ें होती हैं इलमी इख्तलाफ बढ़ते 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 दुश्मनी और ग्रोहबंदी बन जाए और लोग आपस में लड़ पड़े इसी तरह से ज़मीन का झगड़ा माल का झगड़ा ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए इख्तलाफ इतना बढ़ जाए इसकी चाहत की वजह से कि आपस में दुश्मन बन के एक दूसरे के खून बहाने वाले बन जाए तो एक एतबार से ये एक ख़ुद एक फितने का एक हिस्सा है जिससे इंसानियत बल्कि सारी दुनिया में ये ये बर्बादी और तबाही आती है लिहाजा कुछ बातें इस तल्लक से हम देखने की कोशिश करेंगे अगरचे वक्त हमारे पास कम है लेकिन बहुत ही के साथ इन चीज़ों की तरफ कुछ इशारा मैं करूँगा फितनों से बचने के लिए क्या करना चाहिए सारी किस्में हम फितों की नहीं देखेंगे इसलिए मैंने इन दो हिस्सों में इसको तकसीम करके बताया कि दो फितने शुबहत शाहवाज फितनों से बचने के लिए सबसे पहली चीज यह कि आदमी उससे बचने की फिक्र करे अपने आप को फितने में डाले नहीं फितने के असबाब से बचे ताकि फितनों से बच जाए फितने के असबाब से बचे ताकि फितने का शिकार ना हो जाए कोई इंसान गुमराह है आप उसकी बात सुनने के लिए जाएंगे गुमराह होने के इम्कान बढ़ गए आप मत सुनिए कहीं जाने पर इंसान उसकी निगाहों की हिफाज़त नहीं हो सकती है उसकी दीनदारी बच नहीं सकती है उस माहौल में जाएगा तो ऐसा होगा ही मत जाइए फितनों से बचने के लिए अपने आप को फितने में डालने से बचाना चाहिए फितने के असबाब से बचना चाहिए लेकिन अगर मजबूर हो जाए और फितना उसको अपनी आगोश में ले ले, तो फिर अपने आप को संभालें और दीन पर जमा रहे ये और भी ज़्यादा उसके लिए फजीलत की चीज़ है एक इंसान बेवजह बाज़ार में घूमता फिरे, चौक में जाके बैठ जाए आती जाती औरतों को देखे लोगों को छेड़े और सारी खुराफात में मुबतला हो ये बुरी बात है लेकिन आदमी ताजिर भी तो हो सकता है और उसको बाज़ार में बैठना ही अपनी सब्ज़ी तरकारी लेकर या दुकान में बैठना है अब उसको छोड़ नहीं सकता है तो अब वो क्या करें अपने आप को उस बुराई से बचाएँ जो उसके सामने मुजैन होकर आ रही है ये सिर्फ इस मामले में नहीं बल्कि तमाम मामलात में है कि अव्वला आदमी फितने के असबाब से बचे लेकिन अगर आ जाए वो चीज परेशानी मुसीबत आजमाइश आ जाए तो फिर उसमें दीन पर डटा रहे ये आदमी कामयाब है लेकिन अफजल ये है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश करे मालूम नहीं फितने पढ़ के वो डट पाएगा या नहीं अल्लाह के नबी सल फरमाते इन सईदन जुन्बल फितन इन सईद अलमन जुन्न बल फितन इन सईद अलमन जुन्न बल फितन तीन बार आपने फरमाया कामयाब सईद सदतमंद वो हैं जो फितनों से बचा लिया गया है पढ़ने ही से बचा वो फितने में पढ़ा ही नहीं सईद है।, 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 है वो कामयाब है सदतमंद है खुशकस्मत है वो आदमी जो फितनों से बचा लिया गया लेकिन आपने फिर कहा वलमन वलमन तोलिया फ़सबर अफवाह लेकिन जो आदमी फितने में मुबतला किया गया आजमाइश में मुबतला किया गया और फिर उसने सब्र किया यानी अल्लाह के अमर पर वो जमा रहा तो ऐसा इंसान इसका क्या कहना क्या ही खूब है उसका मामला इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में रिवायत किया है और यह हदीस सही है इस हदीस से ये बात मालूम होती कि तीन बार आपने फरमाया कि सईद वो है जो फ़ितों से बचाया गया और फिर आखिरी बार आपने उसके लिए भी खुशखबरी दी जो फितने में मुबला हो लेकिन डटा रहे दीन पर तो एक इंसान अपने आप को बचाए उन असबाब से जिनसे उसके दीन पर आंच आ सकती है लेकिन अगर मजबूरी में वो फंस जाए ऐसी सिचुएशन में तो फिर ऐसे वक्त में भी वो अपने दीन पर जमा रहे ये भी उसके लिए आजमाइश कामयाबी का और सदत का और ननि अल्लाह के यहाँ ऊँचे मकाम का ज़रिया बन सकती है तो पहली चीज़ ये हुई इसी तरह से दूसरी बात जो फितरों के दौर में और फितने के वक्त मुसलमान को करनी चाहिए ख़ास तौर से तो हर हाल में है लेकिन खास तौर से फितरों के दौर में जिसमें गुमराही बहुत ज़्यादा आसान हो जाए गुमराही की शक्लें बढ़ जाएँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक आदमी की मातहती इख्तियार करे आज खास तौर से ऐसा दौर है उलमा की उतनी ज़रूरत नहीं समझी जाती है क्यों यूट्यूब है गूगल है और हमारे पास बहुत सारे वसायल हैं जिसके ज़रिए हम वेबसाइट पर जाके तहक़ीक कर सकते हैं हदीस ढूंढ सकते हैं कुरान की आयतें देख सकते हैं उसके तर्जमे देख सकते हैं तो इल्म के असबाब का बढ़ना इल्म वालों की कदर को घटाता है लेकिन ये जहालत है इसलिए कि का मकाम हमेशा बाकी रहेगा क़यामत तक और की ज़रूरत हमेशा बाकी रहेगी किताबें का बदल नहीं बन सकती टेक्नोलॉजी और इल्म के वसाइल इंटरनेट और यूट्यूब और फेसबुक और इसी तरह से जितने भी इसबा हैं इल्मी बातों के जानने के वो का बदल नहीं बन सकते इसलिए कि वो इसब आपको सिर्फ़ मालूम देते हैं वो आने वाले हालात के अतबार से सही और गलत की तमीज़ आपको नहीं देते वो फैसला नहीं देते फितनों को आने से पहले पहचानते हैं, पहचानतेम फितना तबाही मचा के जाता है तब उसको पहचानती है की अहमियत इसलिए है कि फितने आने से पहले उनका साया देख के और पहचान लेके क्या मुसीबत है आवाम गिरफ्तार हो के डैमेज होने के बाद समझती है कि हाँ ये मुसीबत थी लिहाजा आवाम अगर खुद फितने से बचना चाहती है तो उसे अपनी अक्ल पर नहीं बल्कि के इल्म पर और उनकी फ़िरासत पर एतमाद करना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम की हादिस तो हैं इस बाब में कि आखिरी दौर में उठा लिए जाएंगे तो गुमराही आएगी हसन बसरी रम्हि फरमाते हैं इन फितन था इदा अकबलत आरफ आलिम फितना जब आ रहा होता है तो आलिम उसको पहचान लेता है फितना जब आ रहा होता है तो आलिम उसको पहचान लेता है वो इदा अदबरत आरफ कुल्लु जाहिल है लेकिन जब फितना जा रहा होता है तबाही मचा के तब जाके जाहिल उसको पहचानता है आलिम अलामात से पहचानता है जाहिल नतज से पहचानता है समझ में आई बात आलिम फितने की अलात से उसको पहचान लेता है गुमराहों को उनकी अमामत से पहचानता है जाहिल उसके असरा और उसके नतायज से पहचानता है। अच्छा देखो ये कितना बड़ा नुकसान हो गया इसकी वजह से हम समझते थे अच्छा है लेकिन बुरा निकला हम सब समझते थे कि ये सही है लेकिन गलत निकला नुकसान होने के बाद पछताना क्या फ़ायदा है नुकसान से गड़े में गिरने के बाद तो हर आदमी समझ लेता है कि भाई यहाँ गड़ा है उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन आलिम गड़े में गिरने से पहले बताता है कि मत यहाँ से मत जाओ यहाँ गड़ा है क्यों के पास माजी की कौमों की तारीख होती है क़ुरान सुन्नत का इल्म होता है और इस इल्म के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तकवा के नतीजे में जो कुरान सुन्नत के ऊपर अमल करने से पैदा होता है अल्लाह ताला उनको फ़ुर्क़ान देता है इन तद यजअल लकुम या अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो अल्लाह तुमको फुर्कान अता फरमाएगा फुर्कान क्या है हक और बातिल खैर और शर में हिदायत और गुमराही में तफरी की सलाहियत येमा के पास होती है लिहाजा वो जानते हैं आप सल्लाह और इसमें खुद फरमाते हैं कि लत नमन क्या नबल कम कि तुम पिछलों के रास्ते पर चलोगे तो पिछली कौमें जितनी गुमराह हुई उनकी हलाकतें जो थीं आगे वही होने वाला है नया कुछ आने वाला नहीं है लिहाज़ा के पास वो माजी का इल्म होता है क़ुरान सुन्नत का इल्म होता है वो उसी इल्म की बुनियाद पर पहचान लेते हैं कि ये वही है जो रंग बदल के आया है शराब वही है बोतल अलग है तो पहचान लेते हैं लेकिन आवाम पहचानती नहीं क्योंकि रंग बदला हुआ है लिहाजा एक नौजवान के लिए ख़ास तौर से क्योंकि नौजवान में और बूढ़े में फ़ायदा फ़र्क ये होता है कि बूढ़े की राय जल्दी बदलती नहीं और नौजवान की राय टिकी नहीं रहती एक चीज़ पर तजुबाकारातहती इस दौर की अहम तरीन चीजों में से ये, फराज में से आप कहिए इसको क्योंकि हर दिन एक नया फितना आ रहा है कोई इसके पीछे चला गया कोई उसके पीछे चला गया कोई उसके पीछे चला गया मुकर्रीन बहुत सारे हैं बोलने वाले तकरीर करने वाले हैं और बोलते हैं आलिम साहब उनकी ठंडी ठंडी तकर मज़ा नहीं आता वो जो बोलते हैं एकदम रोना आ जाता है फुला बोलते हैं दिल दहल जाता है क्या इंग्लिश है क्या साइंस की बातें हैं या वहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं हमारे आलिम साहब क़ाल कला फिकुल फ़िकलवा उनके पास नहीं है उनके पास मॉडर्न नॉलेज नहीं है इस तरह से नौजवान उलमा से दूर हो जाते हैं उनको रिवायती समझ कर और जो जदीद तबके के लोग हैं जो नए नए तरीके से उनके सामने बातें रखते हैं उनके पीछे चलने लग जाते हैं और बाद में जाके मालूम पड़ता है कि ये गुमराह था इसने कुछ कोर्सेस किया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लेकिन कुरान सुन्नत का इल्म उसके पास नहीं था उसके पास अकल तो है लेकिन फहम नहीं है उसके पास असल फहम है सिर्फ अकल का होना काफ़ी नहीं है सही फहम का मिलना जरूरी है हदीस में ये नहीं कहा गया कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको बहुत अकलमंद बनाता है बहुत अकल वाला बनाता है नहीं मयूर खैरन यू फकूफ दिन उसको दीन की गहरी समझ देता है दीन की गहरी समझ का मिलना यह असल है अकल का मिलना नहीं बहुत सारे अकल वाले दुनिया में चले गए शैतान के पास भी तो अकल है लेकिन ऐसी अकल किस काम की जो दीन के या कुरान और सुन्नत के नूर से मुनवर ना हो वो अंधे आँख वाला अंधे की तरह है लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि उलमा की मातहती इख्तियार की जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यकूनु फी आखिरी जमान दज्जालून कद्दाबून आखिरी दौर में बात के दौर में बहुत सारे दज्जाल और कजाब आएंगे दज्जाल झूठे। बिमालम बाद ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे पास लेके आएंगे जो तुमने सुनी नहीं होगी अं तुम वाला न तुमने ना तुम्हारे असलाफ ने न तुमने न तुम्हारे असलाफ ने सलफ में से वो बात नहीं आई होगी अचानक बीच में से आई होगी कहीं से नई तहकीक जो चौदह सौ साल में किसी ने नहीं कहा ये नई तहकीक आई है सैलफ में से किसी ने नहीं कहा या तो नकुमिन अहादीफ़ ही बिमालम तस्माओ अंतुम वला वाला आबाकुम व वा कुम व खबरदार उनसे बचे रहना उनसे बच के रहना ला युदिल्लू नकुम वला यफ्तिनू नकुम कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दें मालूम हुआ कि ऐसे लोग जो सलफ़ से हट के नई नई बातें पेश करते हैं ऐसे लोगों की बातें सुनने का नतीजा ये होगा कि या तो आदमी गुमराह हो जाएगा या फिर आजमाइश में मुबतला हो जाएगा कंफ्यूज हो जाएगा या तो उसकी बात मान के उसके पीछे चला जाएगा या फिर अपने दीन के बारे में शक में पड़ जाएगा ना उसका ना दीन का बाजों का तो ऐसा होता है ना उसकी बात भी इतनी कन्विंसिंग नहीं होती है लेकिन जिस बात पर पहले से कन्विंस था उसमें कमजोर पड़ जाता किसी शिया की बात सुन ली आलैद की मोहब्बत में कोई फेटे वाला बोलने लगा उसकी सुन ली अब सुनने के बाद क्या हो गया इतना ज्यादा उससे तो कन्विंस नहीं होगा लेकिन उसने कुछ बातें रख दिया जो पहले से मानता रहा था उसके बारे में भी कंफ्यूज हो गया ना उसका ना इसका बीच में ही लटकता रहा उनसे बच के रहना नई नई बातें वो पेश करेंगे यूथ क्लब या इस तरह की जितनी आप देखिए आज पोर्टल्स और टाइम ट्रैवल और इस तरह की बातें जो लोग भी कह रहे हैं नौजवान देवान अवार उनके पीछे दौड़ रहे हैं ऐसी ऐसी बातें जो कुरान सुन्नत में नहीं सलफ ने कभी नहीं बताया इस तरह की बातें अकल की बुनियाद पर फिल्में देख कर कुरान की तफसीर करेंगे आप बताइए नौजवान मानते हैं नहीं हमको इससे फायदा होता है फायदा होना किसी चीज़ के सही होने की दलील नहीं है फायदा होना अगर सही होने की दलील होती तो झूठ से बहुत फायदा है चोरी से फ़ायदा है लेकिन फ़ायदा वो फ़ायदा वाकई वो फ़ायदा नहीं जो आखिरत में काम आए तो किसी चीज़ को फ़ायदे की बुनियाद पर सही गलत में नहीं रखा जा सकता वरना शराब और जुए में भी फ़ायदा है उसके हक और बातिल खैर और शर होने की बुनियाद पर उसको देखा जाता है साबित और गैर साबित की बुनियाद पर उसको देखा जाता है लिहाजा यहाँ पर यह बात बहुत अहम है कि फितने से बचने के लिए क्योंकि ये जो दौर है ये इल्म का दौर है यानी मालूम के आम होने के वसाइल बहुत ज्यादा हैं और आदमी बैठा हुआ अपने घर में है और फोन रखा हुआ है एक के बाद एक नोटिफिकेशन उस पर आ रहे हैं और मालूम उस तक पहुंच रही ये मालूम तक नहीं जा रहा पहले जमाने में क्या होता था हमारे जो असलाफ हैं अल्लाह रब्बुलमीन उनकी खदमत को कबूल फरमाए महादेन फकहालमा ये क्या करते थे एक हदीस के लिए लंबा ऊंट पे सफर करके दिन 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 कई गुजर के फिर किसी मुहादिस के पास पहुंचते और उससे एक हदीस लेते थे पहले ऐसा होता था अब क्या हो रहा घर में बैठा हुआ है, नहीं भी चाहे चाहे मांगे नहीं अपने आप मालूम आती जा रही उसके पास इसकी तकरीर उसकी तकरीर यूट्यूब का लिंक और फुला का वीडियो ऑडियो न जाने कितनी चीज है और आदमी उसको देख रहा है सुन रहा है मालूमत उस तक पहुंच रही तफरीक इसके पास सलाहियत नहीं है तमीज इसके पास नहीं है और वह आलिम से वेरीफाई भी नहीं करता क्या करता बात तो सही है फिर देखता कौन है ये फुला है फिर ढूंढता जाके यूट्यूब पर उनकी बातें और बातें सुनता सुनते 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 उसकी दिल में मोहब्बत बैठ जाती अब उसके बाद किसी दिन आलिम को बोलता वो बहुत जबरदस्त बोलते हैं आलिम साहब बोलते वो सही नहीं है बोलते आप सही नहीं है आप जलते उनसे आपके लाइक्स कम है ना इस वजह से आप ऐसा करते हैं आप समझते हैं कि हम आपको छोड़ के उनके पास चले जाएंगे या आपको पसंद नहीं है आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा आप हसद करते हैं उनसे लिहाजा ऐसे लोग जो गुमराह हैं उनकी मोहब्बत दिल में बैठ जाने के बाद उनकी उनके खिलाफ बात सुनना भी आदमी पसंद नहीं करता है मोहब्बत पैदा होने से पहले तहक़ीक करना ज़रूरी है उसकी मोहब्बत दिल में बैठने से पहले चेक करना ज़रूरी है कि मोहब्बत के लायक है भी कि नहीं है इससे पहले कि आदमी उलमा से पूछे उसके दिल में सुन 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 के उसकी बात बैठ जाती है फिर आके उलमा से बात तो से तहकीक भी नहीं करता ज़रूरी भी नहीं समझता दिल में एक चोर होता है कि मना करेंगे चुपके चुपके सुनता है और फिर क्या बोलता है मैं सही सही लेता हूँ गलत गलत नहीं लेता उनकी इतना बड़ा तो तु कि तुझको इतनी तमीज़ आ गई कि सही गलत की तफरीक तो कर लेता है तुझको तो मुश्तद बनना चाहिए तुझको तो उसकी सुनने की भी ज़रूरत नहीं है उसको सुनाने की जरूरत है तो जाके लोगों में बयान करने वाला बन गया अब तो काजी बन गया कि खैर और शर में फर्क कर सकता है उलमा से जुड़े रहना इस दौर में बहुत जरूरी है टेक्नोलॉजी किताबें मीडिया उलमा का बदल कभी नहीं बन सकती है अल्लाह के नबी और देखिए जितने भी मुनहरिफिन हैं चाहे वो इख्वानी हों चाहे वो आज़ाद मिजाज लोग हों या इसी तरह के जितने लोग हों उनकी में से एक अलामत होगी कि सब से पहले वो पेड़ को जड़ से काटेंगे पत्ते को पेड़ से जुदा करेंगे सबसे पहले कैसा कहेंगे आजकल थोड़ा जो है बुजदिल हो गए हैं दुनिया की मालूम तो उनके पास नहीं है साइंस नहीं है इंग्लिश के आदि के देखो उनको के पास वो चीज़ नहीं जो होना चाहिए तो बदजन करना मुतलकन उलमा से जो इंसान या जो ग्रोह बदजन करता हो वो कभी हक पर नहीं हो सकता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद के दौर में यही बताया कि अल्लाह ताला इल्म को यूं ही नहीं उठाएगा कि छीन ले बल्कि अल्लाह ताला उलमा को उठाएगा और जब उलमा बाकी नहीं रहेंगे तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे उनको पूछेंगे और वो इल्म के फ़तवे देंगे खुद भी गुमराह होंगे दूसरों को भी गुमराह करेंगे मालूम कि उलमा की बका उम्मत के लिए हिफाज़त से है गुमराही से उनके लिए क़िला है लिहाजा फितनों के दौर में इस एक चीज को भी अगर आदमी पकड़ ले वो महफूज है इस एक चीज को भी पकड़ ले महफूज है कि उलमा से जुड़ा रहे हर मसले को उनके सामने पेश करें बाद लोग बहाना बनाते उनको फोन किए उठाते नहीं तो क्या फोन लेके आपके लिए खड़े हुए हैं उलमा के पास जिम्मेदारियां हैं तेरी जरूरत है तो जाके डॉक्टर के पास घंटों रुकता है लेकिन कभी शिकायत नहीं करता है डॉक्टर के पास गया अपॉइंटमेंट कितने बजे का है चार बजे का है डॉक्टर बहुत डिटेल में सुनता अच्छा डॉक्टर आप अच्छा के, के, के लिए आप इंतजार आप उलमा को खादिम समझते इसलिए आप ऐसा सोचते आप उलमा का आप पर हक नहीं समझते अपना हक उलमा पर समझते उन्होंने तो उठाना चाहिए ना फोन नहीं उठाते फोन जवाब नहीं दिया अब तो देखो कितने दिन में उनको मैंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे पढ़े भी नहीं अब तक तो आपकी ड्यूटी पर नहीं है आप उनकी खादिम हैं आप पहुंचो अब्दुल्ला एक हदीस जब मालूम होती कि फुली के पास है जाके जगाते भी नहीं उनको दोपहर में सो रहे होते थे घर के बाहर धूप में जाके बैठते थे अपनी चादर से टेक लगा के गर्मी और धूप और उसके थपेड़े चेहरे पर लगते रहते बैठे रहते चुपचाप जब वो बाहर निकलते उनसे पूछते ये मिजाज हमारे अंदर नहीं है क्यों इसलिए कि अमेजान फ्लिपकार्ट और स्विगी और इस तरह के दौर हैं तो सब हम तक आना चाहिए हम नहीं जाएंगे किसी के पास अलेम उता या अची इल्म के पास जाना पड़ता इल्म खुद चल के नहीं आता तो ये मिजाज हमारे अंदर बने भाई वो जवाब नहीं भी देना अपनी ज़रूरत है जाके मिलेंगे उनसे बात करेंगे ये अगर एक चीज़ पैदा हो जाए मैं समझता हूँ बहुत सारी गुमराहियों से फितनों से आदमी महफूज हो जाएगा इसी के साथ साथ फितरों से बचने के लिए अपने इल्म पर एतमाद अपनी अक्ल पर एतमाद काफ़ी नहीं है अल्लाह आलमीन ला जिसको बचाए वही बच सकता है लिहाजा अल्लाह से दुआ करना फ़ितरों से बचने के लिए ये भी ज़रूरी है और अल्लाह के नबी वसल्लम ने हमको ये सिखाया आपने फ़रमाया तः बिल्ल मिनल्फ़ितमिन हवा मतल अल्लाह से पनाह मांगो फितनों से चाहे वो फ़ितने जाहिर हों या बातिन जिनका बातिल होना वाज हो उनसे भी अल्लाह की पनाह मांगो और जिनका बातिल होना मखफी हो उनसे भी अल्लाह की पनाह मांगो इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है तो एक चीज़ ये भी कि आदमी अल्लाह से दुआ करता रहे कि अल्लाह मुझे किसी फितने में मुबला मत कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु और वसल्लम खुद दुआ करते थे कि वह आऊद बिल्ला मैं अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूँ कि आई ये तखब बतानी शैतानो कि कहीं शैतान मौत के वक्त मुझे खबत में मुबतला न कर दे कंफ्यूज न कर दे मुझको वह अखबान मैं तेरी पनाह मांगता हूं इस बात से अल्लाह मुझे बचा ले इस चीज से कि कहीं शैतान मौत के वक्त मुझे कंफ्यूजन में मुबतला ना कर दे अपने इल्म पर एतमाद नहीं अपनी सलाहियत अपने फहम अपने तकवा परमाद नहीं अल्लाह के बचाए बग़ैर आदमी महफूज रह सकता नहीं लिहाजा अल्लाह से जुड़े रहना अल्लाह से दुआ करते रहना अल्लाह से आज़ारी करते रहना ये फ़ितरों से बचने के लिए ज़रूरी है क्यों आप देखिए सुर फ़ातह में हमको क्या सिखाया गया है एह दिन सरातमस्तकीम अला सरात मस्तकीम की हिदायत दे दे सरातलवीन तम उन लोगों के रास्ते की हिदायत उन लोगों के रास्ते की रहनुमाई जिन पर तो इनाम किया गैरमूब आलिमिन अल्लाह उनके रास्ते की पर मत जाने दे जो गुमराह हो गए और जिन पर तेरा गज़ब हुआ और जो गुमराह हो गए किससे मांग रहे हैं अल्लाह से मांग रहे अल्लाह इस रास्ते पर चला और उस रास्ते से बचा अल्लाह न बचाए तो कोई बच सकता नहीं इसीलिए क्या कहा सईदन जुर्न् नबाल फितन यहाँ पर जुर्निबा कहा गया जिसको बचाया गया मालूम कि अल्लाह बचाता है हत्या के कब्र के फितने में भी अल्लाह ताला साबित कदम रखता है हमारा कमाल नहीं है कब्र का मसला कब्र भी एक फितना है वहाँ भी आजमाया जाएगा न सिर्फ दुनिया में बल्कि कब्र में भी आजमाया जाएगा इन नकुमतफ तनू न फिर कबोरी को या फिर कबूर तुमको कब्रों में आजमाया जाएगा तुम्हारा इम्तहान होने वाला है मर रबुक मा दीनुक मन नबी तेरा रब कौन तेरा दीन क्या तेरे नबी कौन आजमाया जाएगा उस वक्त में अल्लाह अगर तोफ़ी दे तो ही बचेगा आदमी सही जवाब देगा कब्र में मालूमत का मसला नहीं है ये नहीं कि किबर में इंसान के पास मालूम हो तो वो कब्र का जवाब देना मालूम का मसला नहीं है वो ईमान का मसला है इसीलिए अल्लाह ने उसको ईमान से जोड़ा है यो सभ्यल्लादीन आमु बिलकौल सबित फ़िल हयात दुनिया व आखरा अल्लाह तबित क़दम रखता है ईमान वालों को एक मजबूत बात की बुनियाद पर दुनिया में भी और आख़रत में भी तो जमात कौन है अल्लाह किसको? को मालूम वालों को ईमान वालों को हमारा ईमान वैसा होना चाहिए अल्लाह से ताल्लुक हमारा वैसा होना चाहिए हम अल्लाह से मांगने वाले बने अल्लाह तू बचा मेरा कोई कमाल नहीं तू बचाएगा तो मैं बचूंगा। तो फितरों से बचने के लिए ज़रूरी है ये एक हिस्सा हमारी गुफ्तु का हुआ कि फितरों से बचने के लिए एक तो हम उसके असबाब से बचें से जुड़े रहें और अल्लाह से दुआ करते रहें और भी बहुत सारी बातें लेकिन इतनी गुंजाइश वक्त की नहीं है अब दूसरा हिस्सा जो हमारे जो के किनवान से जुड़े रहना उसी पर बोलना ज़रूरी है तो फितने और इख्तलाफ के दौर में हमारी ज़िम्मेदारी क्या है इख्तलाफ के वक्त में हमको क्या करना चाहिए इख्तलाफ दोनों तरह से हो सकता है एक हो सकता है मालूम का इख्तलाफ़ इलमी इख्तलाफ दीनी अख्तलाफ और दूसरा इख्तलाफ हो सकता है तल्ल का दुनियावी बुनियादों पर इख्तलाफ कोई चीज़ इल्म की बुनियाद पर हो सकती है दीन की बुनियाद पर हो सकती है कभी दुनिया का भी इख्तलाफ़ हो सकता है ज़मीन मेरी ज़मीन मेरी है तो ऐसे वक्त में मुसलमानों को क्या करना चाहिए बहुत सारी चीज़ें उनमें से कुछ चीज़ें हम देखेंगे इन शाला थोड़े से वक्त में सबसे पहली चीज़ तो ये कि शैतान के पास अहल तोहैद के लिए दूसरा मसला शर्क से महफूज लोगों के लिए दूसरी चीज़ क्या है आपस में इनको लड़ा देना जब इनका अकीदे पर ये मुतहद हो जाए सारे महबूदों को छोड़ के एक महबूद को ही तस्लीम कर लें अल्लाह को तो अब उसको इनको क्या करना है इनके दिलों को मुतफ्रक करना है इनका कलिमा मुतफ्रिक करना है क़लिमा में इनको मुबला कर देना है कलिमा तो एक है ला इला लेकिन इनको आपस में मुख्तल ख़्याल और यहाँ तक के दिलों में इनके इख्लाफ़ पैदा कर दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन शैतान मुसल्लून फी फी जजीरतिल अरब वलाकिन बैनहुम शैतान इस बात से तो मायूस हो चुका है कि जजीरतुल अरब में लोग उसकी इबादत करने लगे इस बात से मायूस हो गया है लेकिन इस बात से मायूस नहीं हुआ है कि इन्हें आपस में एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर लड़ा मालूम यह हुआ कि शिर्क के फितने से बचने के बाद एक दूसरा मरहला हमारे लिए है वो ये कि हम आपस में कहीं लड़ ना पड़े आपस में एक दूसरे के दुश्मन ना हो जाए आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ करके एक दूसरे की जान के और खून के दुश्मन न बन जाए और शैतान यही करेगा कि इन्हें आपस में लड़ाएगा दिलों में खराबी लाएगा एक दूसरे से बदगुमानिया डालेगा एक दूसरे के खिलाफ गिबत करने वाला बहुत लगाने वाला बनाएगा यहाँ तक कि मारपीट तक नौबत आएगी और साजिशें और इस तरह से जुल्म ज्यादी तक मा, मामला पहुंच जाएगा इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया जिसमें आपने फरमाया कि शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि जजीरतुल अरब में लोग उसकी इबादत करें लेकिन आपस में लड़ाने से मायूस हुआ नहीं यानी ये रास्ता उसके लिए शिरक से बचने के बाद दूसरा खतरा हमारे लिए है कि कहीं हम आपस में लड़ने वाले न बने इत्तेहाद की बुनियाद क्या है इतलाफ़ से बचने के लिए ज़रूरी क्या है ज़रूरी है कि हम अल्लाह की वही के ताबे हो जाए इख्तला कब पैदा होता है इख्तलाफ जब हर आदमी अपनी अकल और अपनी चाहत से सोचने लगता है मेरे नज़दीक ये है मेरे नज़दीक ये है मैं ऐसे ही समझता हूँ मुझको ऐसे ही लगता है ज़ाहिर बात है कि अकलें अलग अलग हैं सोच अलग अलग है हर एक का इल्म अलग -अलग है लोगों में मराती बल और फहम के अतबार से अब अगर सब अलग सोचेंगे तो इख्तलाफ तो होना वाजिबी है अपनी राय को अल्लाह की वही किताबें कर देना और सब मिल के उसी को पाबंदी से थामे रहना यह आपस में जोड़ने वाली चीज़ है अल्लाह ताला क़ुरान करीम में फरमाता है वसीम व बेहबल्ला जमी अन वफरकू आपने तफसीली खिताब सुना इससे पहले इतबा सुन्नत और क़ुरान सुन्नत की पैरवी इस तालुक से यही हल है यही हल है वह بحبل الله جميعا ولا ही तफर रखो देखिए अल्लाह ने दोनों को जोड़ा वह بحبل الله. अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो ये नहीं कि ज़रूरत पे पकड़े रहो और फिर जरूरत नहीं हो तो छोड़ दो मफाद के लिए छोड़ने वाले बनो नहीं मजबूती से उसको थामे रहो हर हाल में उसको पकड़े रहो चाहे तुम्हारे मुआफिक हो तुम्हारे खिलाफ हो जमी अन सब के सब सब के सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो वला तफर रखो और आपस में मुतफरक ना हो जाओ फिरका फ़िरका टुकड़े टुकड़े ग्रोह ग्रोह पार्टी पार्टी ना हो जाओ वध करो नमत अल्लाम कुं इदकुन तुम आदा अल्फालाफा बैन कुलबी और ज़रा अल्लाह की उस नेमत को भी याद करो कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया अल्लाफा बीना कलोबी कम फसब तुम भी नमत ही अखवाना तो अल्लाह की इस नियमत के नतीजे में तुम आपस में एक दूसरे के भाई भाई बन गए मालूम हुआ कि आपस में भाईचारा महबतें औरत दिलों का जुड़ना ये इस्लाम की बुनियाद पर ही हो सकता है हमारे लिए एक महवर और एक चीज़ एक नुकता जिस पर हम जमा हो सकते हैं वो क्या है ख़ानदान फाइनेशियल लेवल इल्मी मालूमात, दुनिया का एजुकेशन डिग्रियाँ क्या रंग नस्ल नहीं हमारे लिए एक नुकता ऐसा जिस पर सब जमा हो सकते हैं और वो क्या है इस्लाम और उसमें भी क्या अल्लाह की वही हमारी अपनी सोच हमारी अपनी राय हमारा कौल हमारी अक्ल हमारा दिल हमारी चाहते हमारे फ़लसफ़े नहीं अल्लाह ने जो नाजिल किया है वो हबल्ला से मुराद क्या है अल्लाह की रस्सी अल्लाह के नबी वसल्लम की, की हदीस जो मुस्ंद अहमद में ये अल्लाह की कुरान क्या है अल्लाह की रस्सी मुस्लिम में भी ये अल्फाज थोड़े फ़र्क के साथ हैं ये अल्लाह की रस्सी है जो अल्लाह इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है फतम सकूबी हा इसको मजबूती से थामे रहो कुरान लेकिन क़ुरान को मजबूती से थामने का लाजमी नतीजा निकलता है कि सुन्नत को भी थामा जाए क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमराहि से बचने के लिए एक नहीं दो चीज़ें बताई हैं कुरान मतन है और हदीस क्या है उसकी या उस सुन्नत क्या है उसकी शर उसकी तफसील है क़ुरान की तशरीह और तदबीत रसूल की ज़िंदगी में मिलेगी इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा लकत का न लकुम्फ़ी रसूल अल्ला उसवत हसन तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है कुरान ये बात जो बताई गई है रसूल की ज़िंदगी देखने की तालीम दी गई है वो कुरान में नहीं है वो कुरान के अलावा है इसके लिए रसूल को देखना पड़ेगा कि उस वही हसना क्या है तो कुरान और सुन्नत को थामे रहना आपने खुद फरमाया मैंने अपने बात तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ी हैं। इन दो के बाद तुम गुमराह नहीं होगे एक अल्लाह की किताब किताब अल्ला सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत मालूमा कि गुमराहि से बचने के लिए फितनों के दौर में गुमराही से बचने के लिए इन दो चीज़ों का थामना ज़रूरी है इसी को हम अपने लिए मददर इल बनाएं, अपनी सोच को इसका शारह न बनाएं, बल्कि अपनी सोच को इसके ताबे करें अक्सर क्या होता है आदमी पहले फ़लसफ़े घड़ लेता है उसके बाद दलीलें ढूंढता है उसकी उसकी सपोर्ट के लिए ये अहल हवा ख्वाहिश परस्त लोगों का तरीका है अकीदा घड़ लिया अपने लिए एक अकीदा घड़ लिया अपने लिए एक उल बना लिया और उसको साबित करने के लिए देख रहा दलील कोई मिल जाए मेरा काम बन जाए ये बिदातियों का तरीक़ा है अहल सुन्नत का तरीका क्या है पहले कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करो और उससे जो बात सामने आ जाए फिर अपनी सोच को अपने फिक्र को अपने जज्बात को अपने ख्याल को अपनी चाहतों को सबको उसके ताबे कर दो जो वहाँ से फैसला आ गए उसको ले लेंगे जो वहाँ से फैसला आएगा उसको ले लेंगे उसके ताबे बनो उसको अपने ताबे मत करो कामयाबी इसमें कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को और अपनी सोच को कुरान सुन्नत के ताबे करे हलाकत इसमें कि इंसान कुरान सुन्नत को तोड़ मरोड़ के अपनी चाहतों अपनी ख्वाहिशात और अपने फ़लसफों के मुताबिक बनाने की कोशिश करे और हमेशा से अहले बिदात ये करते आए हैं और कर रहे हैं लिहाजा फितनों के दौर में ये ज़रूरी है इख्तलाफ के लिए भी यही हल है कि सारी राय इसके लिए रा, राज़ी हो जाएँ कि अल्लाह और उसके रसूल की बात को हम मान के चलेंगे अल्लाह ताला फरमाता है या यूल आ व अतील्ला वतीसूल वम्रमिन कुम ऐमान वालो फरमा बरदारी करो अल्लाह की फरमा बरदारी करो रसूल की व उलिलमरमिन कुम और जो तुमसे तुम में से उलम्र हैं मामले के का इख्तियार रखने वाले हैं कौन है ये लोगा और हुक्काम मा और हुक्काम इनकी भी फर्मा बरदारी करो पर इन तनाजायन पर रसूल और अगर किसी चीज़ में तुम्हारे दरमियान मुनाजात हो जाए इख्तलाफ हो जाए तो उसको क्या करो उस मामले को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटा दो इनको तुम तो मिन आखिर अगर वाकई तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो दाली का खैर व अहसन तवीना यही खैर है और अंजाम के अतबार से भी अच्छी चीज़ है आज हर आदमी क्या कर रहा है नहीं हमारी हमारा फिरका हमारा ग्रोह जो बताए वो सही हमारे मौलाना जो बोले वो सही हमारे मौली साहब हमारे मुफ्ती साहब हमारे पीर साहब हमारे लीडर साहब हमारे बाप दादा हमारा समाज हमारा ग्रोह जो बोले वो सही कैसी कैसी इख्तलाफ खत्म होगा ऐमान वालों अगर तुम वाक़ ईमान वाले हो तो हुक्म मानो अल्लाह का उसके रसूल का और उसी की तबीयत में मुस्तिल नहीं इसीलिए इसके लिए अकियों का मुस्तकिल लफ्ज नहीं आया अल्लाह और उसके रसूल के लिए आया लेकिन उलुल अम्र उलमा और हुक्काम के लिए ताबे होकर आया हाँ उनकी भी क्योंकि सिस्टम को बाकी रखने के लिए उनकी भी माननी पड़ेगी सब अपने दिल से करने लग जाए गड़बड़ हो जाएगी बहुत सारे मामला तंजीमी उमूर होते हैं उसमें उनके ताबे हो जाओ लेकिन अगर इख्तलाफ हो जाए फैसला कहाँ से आएगा अपने अपने ग्रोह के बड़े नहीं अगर इख्तलाफ हो जाए तो फैसला आएगा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से अगर वहां से फैसला आ जाए और तुम उस फैसले के मुताबिक तुम करने लगो उस उस तरफ मामले को फेर दो तो क्या फरमाया दाल का खैर अहसन ये खैर है और अंजाम के केतबार से बेहतर चीज़ है अंजाम के अतबार से बेहतर चीज़ है तो इख्लाफ के वक्त में मुसलमानों को ये करना चाहिए इसी तरह से दूसरी चीज़ इसमें यह है कि सिर्फ क़ुरान और सुन्नत एक एतबार से काफ़ी है मसदर के अतबार से लेकिन अमली ततबीक और इख्लाफ के वक्त सही फहम के लिए ज़रूरी है कि हम सलफ़ की तरफ भी रजू करें और सलफ़ से मुराद असल कौन है सहाबा सलफ़ में असलन कौन बुनियादी हमारे पहले सलफ़ कौन है नबी सल्ला के साथ सहाबा हैं कि जब उम्मत में इख्तिलाफ हो जाएगा तो सही गलत की तमीज़ हो कैसे किस बुनियाद पर हो अच्छे नाम की बुनियाद पर मेजॉरिटी की बुनियाद पर दावों की बुनियाद पर सोशल काम की बुनियाद पर लोगों के अपने अपने पैमाने होते हैं दो इतना अच्छा काम कर रहे गरीबों को खिलाते हाँ ये कर रहे हैं एजुकेशन में कितने आगे मेजोरिटी कितनी उनकी है ये बुनियाद है नहीं बुनियाद क्या है कि हम इख्तलाफ के दौर में अहले हक को पहचानें इख्तलाफ के हल के लिए ज़रूरी है कि कोशिश की जाए सुन्नत की तरफ लोग लौट आएँ लेकिन अगर नहीं आते हैं तो क्या करें हम ऐसे वक्त में हम क्या करें सबको सही बोलें सबको सही नहीं बोल सकते अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने भी इख्तलाफ के वक्त सबको सही नहीं कहा आपने क्या फरमाया आपने फरमायाफ्तर यहूद अला इख्द फ़िरका यहूद तकसीम हो गए इकहत्तर फ़िरकों में और वाहिदतफ़िल जन्नति वबरुन फ़िनार एक जन्नत में जाएगा और सत्तर जहन्नम में वफ्तर कतिन नसारत वबैन फ़िरका नसारा भी बहत्तर फ़िरकों में तब तकसीम हो गए फाहद व सबरफिनार वाहिदनफिलजन्न इकहत्तर जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा वलिन नफ्स महमदम भी बदी उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है लतफ तरीकन उम्मती उम्मत अबिन फ़िरका मेरी उम्मत यकीनन बट जाएगी तिहत्तर फ़िरकों में यहूद नसारा से भी ज्यादा फ़िरके मेरी उम्मत में होंगे फवाहिदतुन फिल व व वस्नता फिन नार एक जन्नत में जाएगा और बहत्तर जहन्नम में जाएंगे इख्लाफ बाकी रहेगा एक जन्नत में जाएगा बहत्तर जहन्नम में जाएंगे इस हदीस को इमाम इब्न माजा ने रिवायत किया है और तिरमिज़ी के अल्फाज हैं कि वो एक कौन होगा कलो वमन ही या रसोल्ला साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो एक कौन होंगे जो जन्नत में जाने वाले हैं वो एक कौन हैं आपने फरमाया मा फरमाए वसहाबी जिस पर मैं और मेरे सहाबा है यानी उस मनहज पर उस रास्ते पर उस तरीक़े पर होंगे जिस पर मैं और मेरे साहबा हैं आपने ये नहीं कहा जिस पर मैं हूँ आपने ही नहीं कहा वो कुरान हदीस पर होंगे कुरान सुन्नत पर होंगे वो तो है ही है असल है वो लेकिन उस दौर में तमीज़ उनका इम्तियाज़ क्या होगा उनका इम्तियाज़ सिर्फ दलील नहीं होगा उनका इम्तियाज़ ये होगा कि उस दलील की ततबीक में वो सलफ़ की तरफ देखते हैं वरना आप देखें कौन सा फ़िरका है जो कुरान हदीस से दलील नहीं देता है मोतज़िला भी देते हैं मुर्जिया भी देते हैं जहमिया भी देते हैं हर किस्म का ख़ार खबारजी तो ही को बुनियाद बनाया था बिमा अनजल वो मलमल्ला फलाम्ल काफिर जो अल्लाह के नाजिल किए के, के मुताबिक फ़ैसला ना करे सब काफिर हजरत अली को भी काफिर बना दिया तो गुमराह लोग दलाल देते हैं लेकिन दलाल की तफहीम व ततबीक में उसको समझाने में उससे दलील पकड़ने में समझने में और उस पर अमल करने में सलफ़ को नहीं देखते वो जो बाद वाले होंगे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम के साथ साथ सहाबा को भी देखेंगे फिर चाहे वो अकीदे का मसला हो या फिर इबादत का हो या फिर अखलाक का हो या उसूल का हो या फ्रो का हो वह सहाबा की तरफ देखेंगे तो कहा कि माँ आना आल ही वहाँ तो आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लाम ने सहाबा को अपने से अलग नहीं किया बल्कि अपने साथिक किया तो हम क्यों अलग करें हम क्यों अलग करें तो जो लोग नबी वसल्लम और साहबा तो के तरीक़े पर हों ये अहल हक़ हैं। तो बाद के दौर में इख्लाफा को ख़त्म करने के लिए ये भी देखा जाए कि ठीक है कुरान की दलील आप भी दे रहे लेकिन क्या नबी वसल्लम की मोहब्बत है वह अम्मा बिन अमत रबी का फदसफ़ और हदीस में आया है कि मूसा आसाम ने रोज़ा रखा फिरौन से जिस दिन आजाद पाई तो क्या बारा रबी अलावल को नबी सल्लासम के पैदाइश का दिन बतौर शिक्र मनाना चाहिए अब दलील तो दी कि देखो मूसा सलाम ने मनाया ना वो दिन और उस दिन रोज़ा रखा ना शुक्र के तौर पर उससे बड़ी नेमत तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो क्यों ना उस दिन को भी हम मनाएं रोजा रखेंगे भाई नमाज पढ़ेंगे दुरुद पढ़ेंगे क्या सहाबा ने ऐसा किया जब सहाबा ने नहीं किया तो आप उनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले नहीं सहाबा जब आ जाते हैं तो बहुत सारी बिदात और उखराफा और बातिल अकायद की तरदीद आसान हो जाती है लिहाजा इख्तलाफ के दौर में जहाँ किताब सुन्नत की तरफ रुजू ज़रूरी है वहीं किताब सुन्नत के फहम और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी अमली तदबीक अमल कैसा करें उसके ऊपर और सही दोनों में से क्या है दो माना में से सही माना कौन सा है उसको लेने के लिए उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें सहाबा की तरफ भी रजू करें इसी के साथ आखिरी बात बता के अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि अगर आपस के तल्ल का मामला है बीवी शोर के झगड़े बाप बेटे के झगड़े रिश्तेदारों के झगड़े ज़मीन के झगड़े या इस तरह के झगड़े वो भी तो इख्तलाफी के इख्तलाफ है जिसकी बुनियाद दीन पर नहीं होती है उसके लिए क्या किया जाए उसके लिए भी पिछला मामला है किताब व सुनत का फैसला है मानना पड़ेगा कुरान और सुन्नत के मुताबिक जायदाद का हिस्सा जिसका जितना हिस्सा बनता है उतना ही मिलेगा तो अपनी तरफ से नहीं बोल सकता नहीं मैंने इसकी शादी में बहन की खर्च किया था आप नहीं दे सकते वो तो किया और ये अल्लाह ने फैसला किया तेरा फैसला तेरे साथ अल्लाह का फैसला अल्लाह का है उसको नाफिज किया जाएगा समझ रहे हैं बात को यानी वो भी दीन की तरफ रुजू करना पड़ेगा लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ है वो ये कि हम आपस में एक असलाह करने वाला तबका भी हो कि दो मुसलमान अगर लड़ रहे हैं तो उनके दरमियान इसलाह करने वाले लोग अगर हैं तो उनमें इसलाह करा के मामले को हल करने वाले लोग हों ये नहीं कि तेल डाल के उसमें आग को भड़काने वाले हों अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इनमल इन न मलमिन तक अहल ईमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं तो तुमको चाहिए कि तुम अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दो और हाँ अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए क्योंकि सुलह कराने के लिए तकवा चाहिए और लड़ने वालों को भी अल्लाह से डरना चाहिए अल्लाह की रहमत तकवा की बुनियाद पर आती है और जब दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हों या दो ग्रोह आपस में लड़ रहे हों तो उनको आपस में जोड़ने की फ़िक्र करने वाले भी समाज में होने चाहिए इसके ज़रिए से घरों के मसाइल, पड़ोस के मसाइल रिश्तेदारियों के बाप-बेटा, बीवी शौहर और भाई भाई पड़ोसी पड़ोसी इस तरह से जो आपस के जो झगड़े हैं इस इख्तलाफ़ को ख़त्म करने के लिए कुछ नेक तबीयत लोग भी समाज में होने चाहिए जिनकी चाहती झगड़ा बढ़े बल्कि जिनकी चाहतीयों की झगड़ा चाहती ख़त्म हो और वो इसलाह करें और वो तकवा की बुनियाद पर इसलाह करें न कि ख्वाहिश की बुनियाद पर ये नहीं कि जालिम को भी कहें तो भी ठीक और जो आदमी मजलूम है उसको भी ठीक नहीं तकवा की बुनियाद पर अल्लाह से डर के करें लोगों से डर के नहीं बाजा क्या होता है अरे बड़ी पार्टी इससे इसको नहीं बोल सकते कि आपकी गलती है ठीक है आप भी सही आप भी सही मत लड़ो ये तरीका नहीं है बाज़ ये बोलना पड़ता कि नहीं आपने जो किया वो ठीक नहीं है आप इसका हक हाँ इसको दे दो दे दो और झगड़ा ख़त्म कर लो और इसको कहा जाए कि तू तो कर ले पूरा मत मांग थोड़े पे राज़ी हो जा मसला ख़त्म कर दो तो इस तरह से तकवा की बुनियाद पर सुलह किया जा की जाती है न कि एक इंसान ख्वाहिश की बुनियाद पर अल्लाह करें अल्लाबालमी से दुआ है कि हम सबको आपस में मुतफ़ फरमाएं मुतहद फरमाएँ और फितरों के इस दौर में हमको कुरान सन्नत से जुड़े रहने उससे इस्तलाल करने और सलफ़ के फहम को लेकर चलने और की मातहती में चलने की तोफ़ीदा फरमायें अकुलहदिलहली